Yes, we are teachers, lifelong learners. Welcome back to my YouTube channel. Yes, in the last video, we have discussed about the concept of set induction skill. Prastavna Kaushalya kya hai? Ye humne last video mein dekha hai. That was the part one. And today, I'm going to tell you about the different innovative techniques regarding the set induction. Okay, how to introduce particular topic with the innovative techniques. So let's see all the techniques one by one. मैंने ये देखा है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के टाइम पे जब कोई भी पाठ की प्रस्तावना की जाती है, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स दे आर डूइंग इंट्रोडक्शन और दे आर डूइंग सेट इंडक्शन बाय आस्किंग क्वेश्चंस ओरली. हमेशा वो ओरली क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका सेट इंडक्शन वहाँ पे खत्म हो जाता है. लेकिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल, सो बिफोर मूविंग बिफोर लर्निंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेट इंडक्शन, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली वन मेथड और वी कैन से वन टेक्निक ऑफ सेट इंडक्शन, दैट इज ओरल क्वेश्चनिंग. वी कैन मर्ज दिस ओरल क्वेश्चनिंग और यू कैन से द क्वेश्चनिंग विद द डिफरेंट टेक्निक्स और विद द डिफरेंट इनोवेटिव टेक्निक्स. सो लेट्स see what are the different innovative techniques. Wow, story sunna sabko pasand hai, sabko, bachchon ko to stories bahut pasand hai. Okay, so I have displayed different images here. You can easily recognize about the stories, and this is the story of the lion and the mouse, and this is the story about the thirsty crow. Okay, so most of the time, so this is the, I think this we can say this is the perception that we can use the story टेलिंग मेथड ओनली फॉर द लैंग्वेजेस. ओके, हमेशा कोई भी भाषा का पार्ट जैसे कि अंग्रेजी है या फिर इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ाते हैं उसी टाइम पे हम स्टोरी टेलिंग को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. सी, विल स्टार्ट विद द लैंग्वेज ओनली. सो वाइल टीचिंग लैंग्वेज, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज का लेसन पढ़ाते हैं, सो इफ दैट लेसन इज बेस्ड ऑन एनी मॉरल वैल्यूज, सो एट दैट टाइम ऑफ कोर्स वी कैन स्टार्ट अवर लेसन विद द स्टोरी टेलिंग. वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लेसन है वो स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कैन यू रिमेम्बर द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? ऑफ कोर्स. सो दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द हाउ टू बिहेव इन द वर्ल्ड, एंड दिस स्टोरी द थर्स्टी क्रो, द स्टोरी, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज where there is a will there is a way. So if the our lesson is regarding that context, so accordingly we can start the lesson with the narrating story. Okay, I remember one poem, we can say song of Sane Guruji. बहुत ही अच्छा, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें से मेरा जो फेवरेट है दैट सॉन्ग, यू कैन से दैट पोएम. बल सागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहु. सो इफ द टीचर, यू कैन सी द लैंग्वेज टीचर, इफ शी इज गोइंग टू टीच द पर्टिकुलर पोएम, ओके, सो फॉर दैट शी कैन, हाउ कैन शी कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक? ऑफ कोर्स शी कैन नरेट अ स्टोरी. शी कैन नरेट अ स्टोरी रिगार्डिंग एनी लीडर, एनी इंडियन ग्रेट लीडर हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. Okay, so like that we can introduce our topic by storytelling. Okay, I'm going to move ahead towards the next slide. Yes, so our misconception was we can use this storytelling technique only for languages, but it's not like that. Aisa nahi hai, hum baki ke subjects ke liye bhi storytelling technique use kar sakte hain. You can see the topic is the Ashoka contribution, and for that you can narrate any story regarding the Ashoka the Great. So this is applicable in history subject also. Here I have displayed one image, and it is of Archimedes principle. Okay, so Archimedes principle, it is related to the science subject. Okay, so हम इसको कैसे, हम science subject है तो उसको हम लोग story की story बता के कैसे introduce करवा सकते हैं. Suppose while teaching the Archimedes principle, we can introduce this topic by telling the story regarding the Archimedes principle. बहुत बहुत ही सुंदर story है जिसमें
एक राजा रहता है, राजा एक सुनार को एक गोल्ड का ब्लॉक देता है और उसको बोलता है कि मुझे इसका मुकुट बना के दो, और यानी मुकुट यानी क्राउन, क्राउन बना के दो। और बाद में जब वो सुनार वो क्राउन लेके आता है तो राजा के मन में कहीं ऐसे शक पैदा होता है कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है। तो वो मिलावट है या नहीं वो खोजने के लिए वो बताते हैं आर्किमिडीज को। और बाद में आर्किमिडीज वो खोजने के लिए, जैसे कि क्योंकि वो पहले उसको वेट वेट करके देखता है, जो भी उसको गोल्ड दिया रहता है उसका वेट और क्राउन का वेट वो एग्जैक्टली सेम रहता है, तो ये पता कैसे चलेगा कि उसमें मिलावट है या नहीं, वो देखने के लिए फाइनली आर्किमिडीज जो जो करते हैं और फाइनली उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे निकालता है। बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आपको इवन स्टूडेंट्स को भी वो जब आप बताओगे तो उसको पढ़ने में मजा आएगा। ओके, सो फॉर साइंस सब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन यूज दिस टेक्निक फॉर द सेट इंडक्शन, दैट इज स्टोरी टेलिंग। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टूअर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक। यस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। यस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो इन डेमोन्स्ट्रेशन इट इज द टीचर सेंट्रिक एंड एक्सपेरिमेंट इट इज द स्टूडेंट सेंट्रिक। बट वाइल परफॉर्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन टीचर कैन टेक हेल्प फ्रॉम द स्टूडेंट। सो इट हियर वी कैन टेक द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द, तो यहाँ पे हम विद्यार्थियों का सक्रिय सहभाग ले सकते हैं। ओके, सपोज द एक्सपेरिमेंट, सपोज द टीचर इफ शी इज गोइंग टू टीच द टॉपिक डेंसिटी, सो हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो यू कैन सी हियर दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आफ्टर एडिंग लेमन द लेमन सिंक्स एट द बॉटम, बट इन द अनादर ग्लास आफ्टर एडिंग लेमन इन दैट ग्लास द लेमन इट फ्लोट्स ऑन द वॉटर। सो वाई दिस हैपन, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड वाइल परफॉर्मिंग सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द स्टूडेंट, वी कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। एंड सी ऑलवेज वी आर लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू वन, एंड देर इज अ टॉपिक डिक्लेरेशन ऑल्सो। सो यू कैन से द स्टेटमेंट ऑफ द एम। सो वाइल डूइंग द स्टेटमेंट ऑफ द एम यू कैन जस्ट सी द हाउ शुड बी कनेक्शन। सो लेट्स फाइंड आउट आफ्टर एडिंग, सी इन द फर्स्ट वी आर जस्ट एडिंग लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, एंड आफ्टर एडिंग अ स्पून ऑफ सॉल्ट द लेमन इट्स फ्लोट्स ऑन द वॉटर। सो वाई दिस हैपन, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस। लेट्स स्टडी, लेट्स फाइंड आउट द रीजन बाय स्टडिंग द न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डेंसिटी। सो दिस कैन बी योर स्टेटमेंट ऑफ द एम, वी कैन से टॉपिक डिक्लेरेशन। आफ्टर डिक्लेरिंग द टॉपिक यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो दिस टाइप इन दिस वे यू कैन introduce your topic by using this technique, that is demonstration. So here we are using both the techniques, questioning and demonstration. We are merging this technique together. See, there are many topics from the science subject. I have displayed some topic that is magnetic property, acid and bases, static electric charge. Even we can show them the chemical reactions by using yeast. This is the experiments. These are the experiments of balloon. See the square balloon. Even to show the osmosis, we can use the resins, dry resins, and soak resins. So different type of experiments we can perform in front of the students. So this is one of the effective technique to introduce the topic. Yes. This is one technique. I think this is very new technique for you. This is the storyboard, and if you see, this is the storyboard of the profit and loss. This topic is related to the mathematics subject, and these are the different characters, the character of mom, daughter, and neighbor. So you can ask the student to play different roles of the different characters, and in such a way you can introduce your topic very effective. So the same topic, so as I told you that the same topic, that is
दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. यू कैन ऑल्सो टीच विद द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ सब्जी मार्केट कैन बी टोल्ड. सो दिस कैन बी मीन्स टेलिंग द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस और रिलेटिंग द टॉपिक विद द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस. दैट कैन बी अ वन वे और वन टेक्निक ऑफ इंट्रोडक्शन द टॉपिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन आस्क द स्टूडेंट टू प्ले रोल. सपोज दे आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर एंड जस्ट प्लेइंग अ रोल दैट इज पर्टिकुलर पर्सन इज स्टैंडिंग इन द ब्लस बस. ओके, एंड वेन बस इज मूविंग, सो बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज टीचर कैन एक्सप्लेन द टॉपिक लाइक बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस एंड द इनर्शिया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया लाइक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड इजिली वी कैन टच द न्यू टॉपिक दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो दिस कैन बी वन वे बाय यूजिंग यू कैन यूज द यू कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ओके, यस, ड्रामेटाइजेशन. इट्स सी देर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटाइजेशन बिकॉज इन ड्रामा सेडिशन वी नीड द प्रॉपर कॉस्ट्यूम, वी नीड प्रॉपर प्रॉपर्टीज वी नीड. ओके, एंड इन रोल प्ले वी नो देर इज नो नीड ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी कॉस्ट्यूम. ओके, दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन. सो दिस टेक्निक ऑल्सो वी कैन यूज वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. ओके, सी आई हैव डिस्प्लेड सब्जेक्ट्स एंड द डिफरेंट टॉपिक्स for which we can use either role play or the dramatization activity. So in case of history subject we can use the topics are sati pratha, child marriage. In science the pollution, diet, blood circulation, atom and molecule, malnutrition. In maths bank. In geography solar system. In economics consumer right, disaster. In civics civil amenities. Interview of a corporator can be depicted. Okay, so these are the different topics for which we can use either role play activity or the dramatization. Yes, the next is audio visual aids. Actually we are using this simultaneously. Most of the audio visual aids we are using simultaneously with the other techniques, but sometimes we can only use audio visual aids. Like we can explain the topic by using the models. Okay, we can use different paper cuttings, we can use tape recorder, we can just play one beautiful poem on the tape recorder and you can start our lesson by that technique also. Okay, samples and specimens. So in samples we can use the fossils, we can use the paleontology, we can in science you can show them the venation of the leaf. In geography you can show them different types of soils, different types of rocks. And in suppose the topic is regarding the food ingredient, for that we can show them the actual specimens like cereal. हम अगर फूड इंग्रेडिएंट का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम उनको डायरेक्ट जो भी सीरियल से वो हम उनको दिखा सकते हैं. सो दिस इज द वन टेक्निक विच वी कैन यूज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. ओके, यूज ऑफ एग्जाम्पल एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी. सो एनालॉगी इज द न्यू टेक्निक एंड यूजिंग दिस टेक्निक ऑफकोर्स वी कैन जस्ट वॉट वी आर डूइंग वी आर गिविंग देम डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड बाई यूजिंग दिस टेक्निक वी आर जस्ट कंपेरिंग. सो वॉट एवर टॉपिक वी आर गोइंग टू टीच वी कैन जस्ट कंपेयर द सिमिलैरिटीज. इफ यू सी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ माइक्रो टीचिंग, सो वाइल टीचिंग दैट माइक्रो टीचिंग स्किल आई को रिलेटेड दैट टॉपिक विद द मील स्किल. हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का जो स्किल है तो उसको उसके साथ मैंने कंपेयर किया. किसको? जो टीचिंग स्किल है उसको मैंने कंपेयर किया हुआ है. सो दैट इज नथिंग बट द एनालॉजी और उसको कंपेयर करके मैंने वो टॉपिक वहां पे बताया. सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑल्सो दिस टेक्निक यू कैन यूज वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. देन सेल्स. सो वाइल टीचिंग द सेल यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिक. In the statistic, while teaching the topic of statistic, you can correlate it with the cricket scores. So these are the different these are the different examples of the technique analogy. Okay. Yes, current affairs. So this is related to the day-to-day life. So whatever exactly going in our life, in our society, in our nation, in our country, in the world. Okay.
सो हियर वी आर गिविंग और हियर वी आर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट अबाउट द करेंट अफेयर्स लाइक स्मॉग इन चाइना, रिगार्डिंग द सुनामी, रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी, रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द एनी नेचुरल डिजास्टर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक. बाई यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक. आई एम अगेन टेलिंग यू, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग द इनोवेशन इनोवेशन इन योर टीचिंग, ऑल डोंट स्टिक टू ओनली वन टेक्निक, ऑलवेज ट्राई टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. यस, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग टेक्निक. बाई यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक. इन क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, यानी क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी? में कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या भी कोई एक सवाल सामने रखा जाता है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स विचार करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं. कभी कभी ये इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, कभी कभी इसको ग्रुप में भी इसको बोलते थिंक पेयर एंड शेयर, ऐसे एक्टिविटी यहाँ पे ली जाती है. एंड फाइनली दे आर फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. सो जो उनके मन में जो भी आता है, जो सवाल देख के उनके मन में, या फिर सोल्यूशंस उनके मन में जो भी आते हैं, वो स्टूडेंट्स बताते हैं. सो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी वी कैन टेक इन द क्लासरूम वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन ग्रामर वी आर गोइंग टू टीच टॉपिक लाइक नाउन, एंड बिफोर टीचिंग दैट टॉपिक वी कैन जस्ट डू इंट्रोडक्शन बाय आस्किंग क्वेश्चंस. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. इफ पर्सन हैज नो नेम, इफ पर्सन हैज पर्सन, अगर किसी को नाम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो बच्चों के मन में जो भी विचार आएंगे वो बच्चे बोलेंगे. सो दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. और वी कैन ऑल्सो शो पर्टिकुलर वीडियो ऑन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड आफ्टर प्लेइंग दैट वीडियो वी कैन आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वीडियो, एंड लेट देम डिस्कस विद देयर पीयर मेट्स, एंड लेट देम थिंक, एंड लेट देम टेल द सोल्यूशन. सो ये ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसमें बच्चे या तो अकेले या फिर आपके जो पीयर मेट्स हैं उनके साथ वो डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन बताते हैं. तो ये ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी लेके हम अपने पाठ्य की प्रस्तावना बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं. ओके, कंसेप्ट मैपिंग एंड माइंड मैपिंग. ऑफ कोर्स दिस इज द अनदर टेक्निक, यू माइट हैव अवेयर अबाउट दिस टेक्निक, कंसेप्ट मैप एंड माइंड मैप. अ कंसेप्ट मैप इज अ डायग्राम शोइंग द रिलेशनशिप अमंग द कंसेप्ट. सो मेन कंसेप्ट इज एट द अपर ऑन द अपर साइड. ओके, एंड दे आर द ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज. ओके, विल गिव यू वन एग्जाम्पल लेटर. एंड वॉट इज माइंड मैप? इज अ डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, आइडियाज, टास्क और अदर आइटम्स लिंक टू एंड अरेंज अराउंड अ सेंट्रल की वर्ड और आइडिया. ओके, सो आफ्टर एग्जाम्पल ओनली यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो लेट्स मूव अहेड. ओके, सो दिस इज द माइंड मैप ऑफ पोल्यूशन एंड प्लैनेट. सो वॉट माइंड मैप सेज, इट रिप्रेजेंट वर्ड्स, आइडियाज, टास्क, अदर आइटम्स लिंक टू एंड अरेंज अराउंड अ सेंट्रल की. सो दिस इज द सेंट्रल की, ये जो मेन टॉपिक है वो सेंट्रल में लिखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो जो थिंग्स मेन मेन है उसके साइड में लिखी जाती है. सो सी, दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन एंड प्लैनेट. सो दीज आर द इम्पैक्ट्स. ओके, एंड इफ यू सी द इनिशियल ब्रांचेस, ये जो यहाँ पे शाखा है ये बहुत बड़ी भारी भरकम शाखा है, और जैसे जैसे वो आगे जाती है वो बहुत ही थिन होती जाती है. आप देखोगे यहाँ पे भारी भरकम शाखा है. सो इसके इसके जो इसके बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन वो आगे लिखी जाती है, एंड द लिंकिंग वर्ड्स, और यू कैन से कनेक्टिंग वर्ड्स, यू कैन राइट दिस कनेक्टिंग वर्ड्स इन बिटवीन. तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए. फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन एंड द प्लैनेट, दिस इज द सेंट्रल कंसेप्ट, और ये सेंटर पे ही लिखा जाता है, और उसके आजू बाजू जो भी है, बाकी के जो भी मटेरियल है उसके आजू बाजू ड्रॉ किया जाता है. और यहाँ पे मेन क्या है, हम वहाँ पे बहुत सारी चीजें कलरफुल रहता है, हम बहुत डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो जो है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सी सॉइल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एयर दिखाने के लिए प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, वाटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ओके, सो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ डिफरेंट इमेजेस इन द माइंड मैप. सी पॉपुलेशन एंड द प्लैनेट, एंड दीज आर द फैक्ट्स, हियर द ईयर्स आर रिटर्न. ओके, सी
पॉपुलेशन इन 18th सेंचुरी इट इज 1 बिलियन, एंड देन इन 1930 इट इज 2 बिलियन. सो इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द इमेजेस, ओके, ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है. देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये. सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू टीच द टॉपिक पोल्यूशन. सो वॉट एवर थिंग्स कम इन स्टूडेंट्स माइंड, यू कैन गिव द एक्टिविटी, टेक वन पेपर, और टीचर क्या कर सकती है, खुद भी ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकती है. वहाँ पे सेंट्रल जो भी कंसेप्ट है वो बीच में लिखा जाएगा, और उसके बारे में बच्चों को जो जो याद आएगा, जो जो उनको पता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम. सो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को वो टॉपिक के बारे में प्रीवियस नॉलेज क्या है. सो अकॉर्डिंगली टीचर स्टार्ट द टीचिंग ऑफ द टॉपिक. अगर उनको प्रीवियस नॉलेज आधा अधूरा है, तो वो पहले जो प्रीवियस नॉलेज है उसके रिगार्डिंग टीचर्स को कुछ टीच करना पड़ेगा. ओके, सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक टीचर कैन टीच द टॉपिक. यस, दिस इज द कंसेप्ट मैप. द टॉपिक इज हिडन, दिस द टॉपिक इज पोल्यूशन. सो द ह्यूमन एक्टिविटीज, व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज, ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द लिंकिंग, द कनेक्टिंग वर्ड्स आर हियर. लिंकिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, दे डैमेज द एटमोसफियर. ह्यूमन एक्ट, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. बिकॉज ऑफ दैट देर इज द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड वॉट इफ द फॉरेस्ट कटिंग होता है तो उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है. क्या डिस्ट्रॉय होता है, द प्लांट्स एंड लिविंग स्पेसीज, और उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज होता है. सो देर इज द लिंकिंग. सो द मेन पार्ट इट इज रिटर्न एट द टॉप, उसकी जो मेन शाखा है वो ऊपर रहती है, और सब शाखा है उसकी नीचे नीचे ग्रो करती रहती है. सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट मैप. दिस इज माई फेवरेट वन, दैट इज द कंसेप्ट कार्टून. बाई यूजिंग दिस टेक्निक ऑल्सो यू कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ओके, सी आई हैव डिस्प्लेड डिफरेंट कंसेप्ट कार्टून. दिस इज द सीन इज देयर. ये देखो यहाँ पे एक सीन है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ बता रहा है. यहाँ पे ये देखो एप्पल का ट्री है, उसके नीचे एप्पल गिरा हुआ है. यहाँ पे एक बॉ है, वो सर पे खड़ा हो गया है. सो जो पर्टिकुलर इमेज को देख के आपके मन में क्या आता है, इट्स जो मन में विचार आता है, आपको क्या लगता है. तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये बॉय ये उल्टा, मतलब उल्टा खड़ा है, तो हर एक स्टूडेंट के मन में अलग अलग सवाल, अलग अलग थिंग्स आती है. देखो, योर हार्ट विल नीड टू पंप हार्डर. इफ यू स्टैंड ऑन योर हेड, योर फीट वोंट गेट एनी ब्लड. अगर आप आपके हेड पे खड़े हो जाओगे, तो आपको पाँव को ब्लड का सप्लाई नहीं होगा. योर ब्रेन, अगर आप उल्टे खड़े हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वहाँ पे, तो उनके यहाँ उनकी बच्चों के दिमाग में ये विचार आ रहे हैं कि ऐसे होगा तो कैसे कैसे करेंगे. ये बच्चों के मन में विचार है कि ऐसे उल्टा खड़े खड़ा, मगर सर पे कोई खड़ा रहेगा तो क्या होगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, उसके हार्ट हार्ट का पंपिंग, हार्ट नीड टू पंप हार्ड, हार्ट का पंपिंग ज्यादा हो जाएगा. कुछ को ऐसे लगता है कि अगर आप सर पे उल्टा खड़े रहोगे तो जो भी विचार है उनके मन में आते हैं. और फाइनली क्या होता है, द साइंटिफिकली क्या होता है, द टीचर कैन एक्सप्लेन लेटर. सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यू कैन यूज द कंसेप्ट, यू कैन यूज द कंसेप्ट कार्टून्स. ओके, यू कैन ड्रॉ कंसेप्ट कार्टून्स बाय अवर ओन ऑल्सो. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस टेक्निक विच यू कैन यूज फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. यस, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल. मे बी सम ऑफ यू दे नो अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग, द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एंड वन मोर इज देयर, दैट इज डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंसेप्ट अटेनमेंट. सो बाई यूजिंग दिस मॉडल्स ऑल्सो वी कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक. इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी. अगर आपको सच में लगता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज अपने कमेंट्स में लिख दीजिए, तो अकॉर्डिंगली मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगी. ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है, जिसमें क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने रख दी जाती है, और बच्चों को उसका ऑब्जर्वेशन करना है, अगर जरूरत पड़े तो उसको एक्सपेरिमेंट्स, उनके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं वो भी करने हैं, वो पजल के समझ के उनको, अगर उसको सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे एक उल्टा होता है. नॉर्मली क्या, टीचर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर्स. सो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे
स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, टीचर ओनली गिव आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, वो हाँ या ना में ही टीचर उसका जवाब दे सकते हैं। ओके, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑल्सो यू कैन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, दैट इज कंसेप्ट फॉर्मेशन, यू कैन से कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, सो इन दिस कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल डायरेक्टली कंसेप्ट नहीं बताया जाता, डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं बताया जाता, यहाँ पे कंसेप्ट फॉर्म होता है या फिर कंसेप्ट अटेन होता है, कौन करता है, स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आइदर वी रिक्वायर द पॉजिटिव या निगेटिव एग्जाम्पल्स, तो ये प्रिपरेशन टीचर को पहले ही करना पड़ेगा। ऑलवेज कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द आइदर ऑन द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, और अगर हम उसको एस या नो में दे रहे हैं तो कंसेप्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द येस कैटेगरी। ओके, सो इफ यू सी दीज एग्जाम्पल्स, सो कंसेप्ट फॉर्मेशन, इफ यू सी द फिगर्स एंड दीज आर द क्वाइट सिमिलर फिगर्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देर विल बी कंसेप्ट फॉर्मेशन, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर फिगर्स और द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल, वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट उसका खुद उसको डिफाइन करते हैं, उनके पास बहुत सारे फिगर्स है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कौन से, उसके बेसिस से वो कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है और उसके बहुत सारे उसका डेफिनेशंस भी वो बताते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है जो यूज करके आप अपने टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, ऑल दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेट इंडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस पर्टिकुलर टॉपिक विद द इनोवेटिव टेक्निक। आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत सारे टेक्निक बताए, लाइक स्टोरी टेलिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, कंसेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग, कंसेप्ट कार्टून, स्टोरी बोर्ड, देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स। बाय यूजिंग दैट टेक्निक्स यू कैन इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक वेरी इफेक्टिवली इन द क्लासरूम। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टेक्निक्स, एंड आई डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच टेक्निक वेरी वेरी डीपली इन माई नेक्स्ट वीडियोज, एंड इफ यू रियली वॉन्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स देन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, सी यू सून। ओके, बाय बाय।